ABPS News। सरकार के अनदेखी व गांव के विकास के लिए स्वीकृत की जाने वाली कम धनराशि के कारण गांव में होने वाली समस्याओं व विकास कार्यों की मांगों को ABPS News के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के तहत ABPS News टीम का अगला पड़ाव जनपद बरेली के ब्लॉक भोजीपुर में से चकदाह भगवतीपुर गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 15 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर है। लगभग 7000 की आबादी व 3400 वोटरों द्वारा सितार जहां को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारियों ने सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में 660 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 378 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 50 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिनमें से 3 हैंडपंपों को वर्तमान प्रधान द्वारा रिवर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 70 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर एवं 110 स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली, प्राइमरी स्कूल में मरम्मत कार्य, प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल की बाउंड्री का निर्माण भी कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 100 घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 14 आवास का भी गांव में निर्माण कराया गया है। ABPS News टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, स्वास्थ्य केंद्र, खेल का मैदान, पानी की टंकी, बारात घर, शमशान घाट, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 500 इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। प्रधानपति ग्राम चकदा भगवतीपुर विकासखंड भोजीपुरा जिला बरेली से बोल रहा हूँ। मेरे गांव में लगभग 700 मीटर खरंजा मैंने करा दिया, 400 मीटर सीसी करा दी, 100 शौचालय मैंने बनवा दिए और मॉडल शौचालय बनवाया है। स्थानों पर पैप डलवाए हैं, स्ट्रीट लाइट लगवाई हैं। बाकी विकास के लिए बहुत कुछ मांग है, पूर्ति होना पा रही है, सरकार इतना पैसा नहीं दे रही। मेरी ग्राम पंचायत बहुत बड़ी है और लगभग आवास की मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। कम से कम लगभग 500 शौचालय की सख्त ज़रूरत है, जिसलिए मेरा गांव ओडीएफ हो पाए, गांव की गंदगी हम लोग बचा पाएँ। जहाँ तक सुरक्षा दीवारें मेरी होने को है, स्कूल की बाउंड्री तो मैंने कराई ही थी और लगभग 3000 मीटर सीसी की और आवश्यकता है। पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, पानी की टंकी, शादी घर, ये चीज़ों की आवश्यकता है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि हम लोगों को इतना तंग कर दिया गया है कि अगर हम सरकार की बेईमानी करते हैं तो हम लोग उनकी जांच की जाए, हम लोग उनको कार्रवाई की जाए और जो प्रधान ठीक काम कर रहे हैं उनको भी वही नकेल खींच दी गई है। जो प्रधान परेशान है, पब्लिक सर पर बैठी है। हम लोग उनके आधे आधे गाँव में राशन कार्ड बने हुए हैं और आधे राशन कार्ड नहीं है। हम लोग मांग करते हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर से बात करते हैं। सप्लाई इंस्पेक्टर कहते हैं कि तुम्हारा कोर्स पूरा हो गया है, 71% होगा। अब जो लोग गरीब रह गए हैं इनका क्या करें हम लोग? हम लोगों को, प्रधानों को जीना हराम कर देती है पब्लिक। हम लोग कहीं, हमारा पूरा अधिकार छीन लिया गया है, हम लोगों को कुछ नहीं है। हम लोग दस्तखत करने के मालिक हैं, बिलाग जाते हैं, हम लोग दीवारों पर बैठे रहते हैं, प्रधानों के बैठने की जगह नहीं है। अधिकारी लोग सिक्योरिटी ग्राम विकास पे एक एक सिक्योरिटी को 8-8 गांव दिए गए हैं ग्राम विकास अधिकारी को। हम लोगों का पूरी ठीक रूप से विकास नहीं हो पाता है। जीएसटी हम लोग जब बिल काटते हैं तो लोहे का अगर बनवाते हैं, लोहे का सामान गेट बनवाते हैं तो 18% देते हैं, पेंट का सामान लेते हैं तो 28% देते हैं। अब 28% 100 रुपये अगर हम विकास के लिए मिले और 28% हमने जीएसटी दे दी, हमें 72 रुपये बचे। 72 रुपये में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या विकास करें, क्या करें? गांव के लोग ये कहते हैं कि प्रधान जी विकास नहीं करा रहे हैं। जब प्रधान, जब सरकार जब से ये बनी है, अब तक हम लोगों का विकास पर रोक लगी है। पब्लिक चढ़ी प्रधान के ऊपर, विकास ठीक तरीक़ा से नहीं हो पा रहा है। सबसे महंगी चीज़ ये है कि हम लोग कार्य योजना बनाते हैं, कार्य योजना बनाने के बाद नेट पर डाल देते हैं। नेट पर अगर हमने गाँव की एक साल की कार्य योजना बनाते हैं तो लगभग 80-85 लाख रुपये की बनती है और वो जब नेट पर पहुँचती है तो पब्लिक उस चीज़ को पढ़ती है तो वे कहते हैं प्रधान जी ने ये रुपये निकाल लिया। तो हम लोग इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। हम लोगों का अगर सही ठीक है, हम लोगों को सख्ती की जाए, जो गलत काम करता है उसकी जांच की जाए। हम गलत काम करें तो हम लोगों की जांच की जाए, हम लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। सब एक ही कैटागरी में फांस लिए गए हैं प्रधान।
तो जब ये कैटेगरी में प्रधान फांसे गए हैं तो हम लोग विकास कहाँ से कराएं, हमारे पैसा इस तरीके का आ नहीं रहा है जिससे हम विकास करा पाए। भगवतीपुर हमारे प्रधान जी सब काम सही करा रहे हैं। चकदह के रहने वाला हूँ, चकदह भगवतीपुर के जो हमारे प्रधान हैं उन्होंने शौचालय भी बनवा दिए 150 और उनने सारे काम सीसी रोड भी डलवा दिए और जहाँ खंडा पड़ने का वो भी डलवा दिए उनने और बाउंड्री स्कूल की पूरी करा दी उनने, लाइटें भी लगवा दी गांव में, सब गांव में लाइटें हैं, उनकी काफ़ी रोशनी हो रही है गांव में। और उनने अपने इसके अस्पताल के लिए कोशिश में हैं कि जो पहले अस्पताल बन गया है तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसमें कंडे थुप रहे हैं, उनकी कोशिश यह है कि डॉक्टर उसमें आकर और बैठ सकें, हमारे गाँव के लोग मरीज परेशान हैं।